हाय एवरीवन, मु झरणा आपण मानंक स्वागत करूछि आम चैनल आजे अपलोडेड रे। आज का टॉपिक रे मु पांचटी मुख्य कारण कहिबी इनफर्टिलिटी रो बंध्या दोष रहिबार पांचटी मुख्य कारण जोटा कि समस्ते जानी रखिबा निहाती दरकार। कारण कपल मानक मनरे बहुत थर संदेह आसुची कि सेमाने एते थर रिलेशन रखिलेनी हेले भी सेमाने गर्भवती हेई पारो नाती। कोन एहा तांकर बंध्या दोषर गोटे कारण कि किंबा सेमानकर इरेगुलर पीरियड गोटे बंध्या दोषर कारण कि एने कि पांचटी मुख्य कारण मु आज ए वीडियो रे डिस्कशन करिया को जाउची जोटा कि मेनली बहुत जणक केस रे देखिया को मिलिछि। तबे चालंत स्टार्ट करिबा आजर वीडियो टी। प्रथम कॉज की होची जदी गोटे कपल रिलेशन रखु छंती एहार अर्थ एहा नहो कि आपण एही रिलेशन नै प्रेग्नेंट हे जिवे। आपण जदी रिलेशन रखु छंती तहेले आपण को फर्टाइल पीरियड रे ही रिलेशन रखिबार अछि। सेति पई नारी टिको निजरो ओवुलेशन डेट टिको जानि रखिबा निहाती दरकार। अदर डे मानंकरे जदी आपण रिलेशन रखु छंती तहेले गर्भवती हबार चांसेस बिल्कुल भी नथाय। तेणु करी आपण ओवुलेशन डेट टिको बाहर करंतु ओवुलेशन डेट समय रे ही अपना रिलेशन रखंतु तेबे ही जाय कि जल्दी गर्भवती हे परिबे। ओवुलेशन डेट कि परि जानिबे से नै मो वीडियो ऑलरेडी बनाई छी, मोर वीडियो सेक्शन को जाय कि वीडियो देखि परिबे। सही परि द्वितीय मिस्टेक करि थांती कि जदी गोटे नारी टी रिलेशन रखी थाए जेतेबेले गोटे नारी रो प्रथम करी बाहागर हे थाए त सेतेबेले से माने रिलेशन रखिया पई टिके संकोच करि थांती जेहेतु से मानकर वेजाइनल टाइट थाए। वेजाइनल टाइट थिबा द्वारा से मानको बहुत पेन अनुभव हे थाए त से माने इंटरकोर्स को बहुत भाबरे डरी जाय थांती, बहुत नर्वस हे जांती। त से समय रे जदी एम्प्टी सिचुएशन बहुत दिन पर्यंत लागी रहिला ताहेले आपण जानी जिबे कि एहा आपणकर प्रेग्नेंसी न रहिबार गोटे मुख्य कारण। वेजाइनल टाइट पई कि जते बेले सेक्सुअल इंटरकोर्स हे थाए सेते बेले डीप पेनिट्रेशन हे पारि न थाए जोति पई कि पुरुषर शुक्राणु नारीर यौन मार्ग रे ठीक से जाई पारि न थाए बा यूट्रस माध्यम दे फेलोपियन ट्यूब पर्यंत पहुंची पारि न थाए। जदि आपण इंटरकोर्स समय रे वेजाइनल टाइट भलिया सिचुएशन अनुभव कले तेबे एहा को इग्नोर बिल्कुल न करी तुरंत ही उठे भलो गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करिकरी एहारा ट्रीटमेंट कराई नबा निहाती दरकार। आउ जणा जणा का केस रे एमिति भी देखिया को मिलि थाए स्ट्रेस लेवल बहुत मात्रा रे बढी जाय थाए जोथि पई कि सेमानंकर ठीक समय रे हार्मोन रिलीज हे न थाए बा एग रिलीज मध्य हे न थाए त एहा भी गोटे प्रेग्नेंसी न रहिबार मुख्य कारण। एमिति भी अछंती पुओ माने जो मानंकर कि पुओ मानंकर समस्या पई से माने गर्भवती हे पारि न थांती। पुओ मानंकर कोन हे थाए पुओ मानंकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हे थाए जोथि पई कि नारीटी गर्भवती हे पारि न थाए। सेक्सुअल इंटरकोर्स समय रे समय पूर्वरु ही से मानंकर इजाकुलेशन हे जाय थाए जोटा कि कहा जाय थाए प्री मैच्योर इजाकुलेशन। ए क्षेत्र रे भी नारी जणक गर्भवती हबारे असंभव हे थाए। त जदि एमिति सारा प्रॉब्लम गोटे नारी पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करिबा समय रे अनुभव करूछंती तेबे एहा को इग्नोर न करी तुरंत ही डॉक्टर को पाखु जानतु। एहा द्वारा डॉक्टर किछिटा टेस्ट लिखि थांती आ किछिटा मेडिसिन मध्ये दे थांती एहा द्वारा ए प्रॉब्लम मध्ये सॉल्व हे जाय थाए। थर्ड प्रॉब्लम टी होउछि एज। जदि गोटे नारी रा एज 35 प्रो एवर हे जाउछि तेबे से नारी को 2 मास किंबा अति बेसी रे 6 मास पर्यंत अनप्रोटेक्टेड सेक्स करिबा दरकार। जदि से समय रे सेमानकर प्रेग्नेंसी न रहूची तेबे आ विलंब न करिकिरी आपण तुरंत ही डॉक्टर को देखे दबा निहाति दरकार। एहा करिबा द्वारा डॉक्टर आपणकर किछटा टेस्ट करिथांती सेथिरे आपणकर एएमएच जोटा कि आपणकर अंडा रे संख्या केते अछि एवं एग रो क्वालिटी कोन अछि से माने चेक करिथांती। ओवरी रो कंडीशन कोन अछि फेलोपियन ट्यूब रो कंडीशन कोन अछि चेक करिथांती प्रॉपर रीजन जानिथांती आ ट्रीटमेंट करिथांती आउ आपण जल्दी गर्भवती हे परिथांती। किंतु जदि आपणकर एबव 35 एज हे जाय छि आ आपण ए सब सिचुएशन को देखि गलेनी बहुत थरो ट्राई कलेनी हेले इग्नोर करूछंती तेबे एहा आपणकर बंध्या दोष को बढै बारे बहुत ही बड कारण बनि थाय। जदि आपणकर एज 35 एबव हे जाउ छि तहेले 2 मास रु 6 मास पर्यंत आपण इंटरकोर्स करिवे तापर आपण डॉक्टर विजिट करै नेबे। चतुर्थ मुख्य कारण टी होउछि पीरियड इरेगुलर हबा। मासिक चक्र जदि आपणकर नियमित न थाए तहले से केस रे आपण गोटे वर्ष पर्यंत बिल्कुल भी वेट करिवे नाही। काहे कि ना एमिति केस रे ओवुलेशन डेट टी जानिबा बहुत ही कष्टकर हे जाय थाए। केते बेले ओवुलेशन डेट बहुत जल्दी आसी जाय थाए त केते बेले ओवुलेशन डेट बहुत देरी रे आसी थाए। बेले बेले एमिति भी हे थाए कि ओवुलेशन बिल्कुल हे ही न थाए। त जदि आपणकर पीरियड इरेगुलर होउछि तबे ए केस को इग्नोर बिल्कुल न करिकरी आपण
तुरंत ही डॉक्टर को देखांतु। किछटा होम रेमेडी अछि जोटा कि मो वीडियो बनै छी पीरियड को रेगुलर करिया पई, पीरियड को जल्दी आनिबा पई, से सब होम रेमेडी को आपण किछि दिन यूज करिके देखंतु। ता सत्ते भी जदि आपणकर पीरियड रेगुलर न होउछि तबे आ विलंब न कहि तुरंत ही आपण गायनेकोलॉजिस्ट को देखै दियंतु, ताहेले ही आपण जल्दी कंसीव करबा पई सक्षम हेइ परिबे, कारण आपणकर प्रॉपर ट्रीटमेंट चालिबो। पंचम मुख्य कारण टी होची जदि आपणकर पेटरे किछि सर्जरी हेथबो, जेमिति कि अपेंडिसाइड हेगला किंबा गॉल ब्लैडर स्टोन हेगला, जदि एमति किछि ऑपरेशन आपणकर पेटरे हेथबो ताहेले भी आपणकर प्रेगनेंसी रहिबारे बहुत ही असुविधा हेथाय, ओ एटा ही गोटे मुख्य कारण हेथाय इनफर्टिलिटी रो। जदि एमति किछि ऑपरेशन हेची आ आपण गर्भवती हबा पई चाहौचंती तेबे प्रथमे आपण डॉक्टर विजिट करै दियंतु, से आपणकर गोटे अल्ट्रासाउंड करिवे, फेलोपियन ट्यूब चेक करिवे ताकि फेलोपियन ट्यूब रा कंडीशन ठीक अछि कि नाही, ताहेले से माने सजेस्ट करि परिवे कि एहा आपणकर ठीक अछि कि नाही, आ आपण को प्रोसेस दे कि गले जल्दी गर्भवती हेइ परिवे। जदि किछि ऑपरेशन हेइ छि तबे आ देरी न करी तुरंत ही गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करंतु, आ से जो प्रोसेस देकि कहउछंती से प्रोसेस देकि गले आपण जल्दी गर्भवती हेइ परिवे। तबे एहा थिला पांचटी मुख्य कारण जोटा कि बहु जणक केस रे देखिया को मिलि छि। एहि सब कारण थिले से माने बंध्या दोष समस्या देकि गति करि थांती। तबे जदि आपणकर एमति किछि प्रॉब्लम होउछि तबे आपण तुरंत ही डॉक्टर विजिट करै देबा, आपणक पई लाभ हबो। तबे आउ जदि किछि आपणकर डाउट रहि जाय छि तले मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि पचारि परिबे। आजिका वीडियो रे जदि आपणको पसंद आसी थाय तले लाइक करिबे, शेयर करिबे, सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबे नाही। सब्सक्राइब साइड रे जो बेल आइकन अछि ताको मध्य प्रेस करि देबे, तदरा मोर समस्त वीडियो रे नोटिफिकेशन आपणको पाखरे पहुंची परिबो। पुनी देखाबो आउ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सहित, से पर्यंत विदाय दियंतु, रहिले नमस्कार।